नीरज जी नमस्कार। जी पहले तो नमस्कार। आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ, रोज फॉलो करते हैं आपको। थैंक यू सर। क्वेश्चन सर ये है कि ग्लोबल स्पिरिट के शेयर हैं 50 शेयर, 970 का एवरेजिंग है। रिसेंटली बाय किया था जब ये करेक्शन आया था ड्यू टू प्लांट शटडाउन इन वेस्ट बंगाल। तो इसका जो 3-1 महीने का नजरिया है, तो 3 महीने में इसमें क्या स्टॉप लॉस रखें और क्या ही इसका टारगेट हो? ये जो मई महीने का ब्रेकआउट है उसका टेस्टिंग पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है अभी। 970 बताया ना आपने बाइंग प्राइस जी, 970। जी। ये इसको प्लेट में सही करिएगा सर्वे जी। 970 की बाइंग है और अभी नीचे है, और क्या इसमें राय बनती है आपकी? देखिए, इनका ट्रेड फिर फ्लॉट हो गया है। अगर 970 का इनका बाइंग है और 3 महीने का ही इनका होराइजन था, या स्लाइटली मीडियम टर्म इनका होराइजन था, तो ऑलरेडी भाव से इनके ऑलमोस्ट तकरीबन 15% नीचे है। अगर 150 रुपए में पकड़ू तो आई थिंक ट्रेड तो इनका ऑलरेडी इन्होंने लॉन्ग टर्म में कैरी कर लिया है। अब थॉट यही रहेगा कि भी मैं यहां से इनको निकलने नहीं बोलूं, थॉट यही कि कुछ हाला है तो उसमें निकलने की कोशिश करें प्योरली फ्रॉम अ 3 मंथ एंगल। मुझे लगता है कि जो इसके 830 के सपोर्ट्स हैं वो क्रिटिकल है, टू 828.40 का एक स्टॉप लॉस भी इनको रिकमेंड करूंगा। अगले 3 महीने का व्यू दे रहा हूँ कि उस स्टॉप लॉस पे ट्रेड में बने रहे, और उछाल में 3 महीने में जो मुझे बेस्ट केस लग रहा है, शायद इनका भाव आए शायद नहीं आए, बट 940-950 का भाव आए तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बुक करके निकलना चाहिए एक बार, प्योरली फ्रॉम अ 3 मंथ एंगल। बाकी अगर इन्होंने इसको ट्रेड को लॉन्ग टर्म बना लिया है तो फिर आई थिंक मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, काफी इनका ड्रॉडाउन हो चुका है, बट प्योरली फ्रॉम 3 मंथ एंगल मेरे हिसाब से ये रहा है। हरमन सिंह जी, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं था। तो एक्चुअली कुछ दिन एक्टिव नहीं था तो उसके दौरान क्रैक डाउन आ गया था बीच में। और अब होल्ड करिए और अपर साइड में जब जाए पर ना स्टॉप ये। लॉस जरूर लगाए नीरज जी, फिलहाल इनको स्टॉप लॉस 828 के नीचे जरूर मेंटेन करना चाहिए। आठ सौ 828 अट्ठाईस ठीक। नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और ऊपर जब 950-60 के आसपास जाए तो फिर एक बार निकल जाएगी इसमें से, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस बहुत